दोस्तों T20 में भारत को मात देने के बाद गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की बस पर पथराव हुआ है। फिंच ने इस बात की पुष्टि की है अपने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुवाहाटी में खेले गए T20 में टीम इंडिया को 8 विकेट से मिली करारी हार के बाद अज्ञात लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की बस पर हमला किया। ओपनर एरोन फिंच ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बस के टूटे हुए कांच की तस्वीर साझा करते हुए घटना की पुष्टि की है। फोटो पर फिंच ने कैप्शन लिखा, होटल लौटते हुए टीम बस की खिड़की पर पत्थर मारा गया, ये डरावना है। फिंच के इस ट्वीट के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये हरकत किसने की इस बात का अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। दोस्तों आप इस वीडियो में वो फोटोज़ देख सकते हैं जो फिंच ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की हैं और उन्होंने क्या लिखा है। प्रिटी स्कैरी हैविंग अ रॉक थ्रोन थ्रो द टीम बस विंडो ऑन द वे बैक टू द होटल। अब ये हरकत किसने की है उसे तो ढूंढना जरूरी है और वो ढूंढने के लिए अब पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है ऑस्ट्रेलिया टीम के सभी खिलाड़ियों पर और इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी प्रकार की कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।